हरियाणा में भड़की हिंसा में एक इमाम की हत्या कर दी गई। इमाम हाफिज साद बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे। हाफिज साद की हत्या गुरुग्राम के सेक्टर 57 की मस्जिद में की गई। मृतक इमाम सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड के पड़ोल बुजुर्ग पंचायत के मनिया डीह गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दंगाइयों ने मस्जिद में घुसकर उनकी हत्या की और फरार हो गए। इमाम की मौत के बाद उनके पूरे गांव में मातम है। बताते चलें, हाफिज साद 1 अगस्त को अपने घर सीतामढ़ी के मनियाडीह गांव आने वाले थे। उनका टिकट बन गया था, लेकिन 31 जुलाई की रात दंगाइयों ने चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद गुरुग्राम के स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इधर गांव में हाफिज साद की मां सनोबर खातून अपने बेटे के गम में बदहवास है। हाफिज अभी अविवाहित थे। वह दिसंबर 2022 से गुरुग्राम मस्जिद में इमाम थे। मंगलवार की रात उनका शव उनके गांव पहुंचा। बुधवार को उनका कफन दफन हुआ। लोगों ने नम आंखों से उनको विदाई दी। बता दें, गांव के युवक की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। इसके साथ ही परिवार और गांव के लोगों में गुस्सा भी है। इमाम की मौत के बाद पिता मोहम्मद मुश्ताक उर्फ लड्डू ने बताया कि 1 अगस्त को मोहम्मद हाफिज साद गांव आने वाले थे। उनका टिकट भी था। मृतक के पिता ने बताया कि उन लोगों ने 31 जुलाई की रात 12 बजे उनकी हत्या कर दी। हम लोगों को जब इस बात की खबर मिली तो हम हैरान रह गए। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे गांव में कोहराम मच गया। वहीं सबको गुरुग्राम से गांव लाने वाले उनके भाई सादाब ने कहा कि उनके निर्दोष और मासूम भाई की हत्या दंगाइयों ने कर दी। मेरे भाई ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। इसके बाद भी रात के 12 बजे बुजदिलियों ने दंगाइयों ने दहशत गर्दों ने उसकी हत्या कर दी। उनकी दुश्मनी अगर मस्जिद से थी तो उसके इंतजामिया से थी, तो उनसे उसका बदला लेना चाहिए था। उन्होंने निहत्ते मेरे भाई की हत्या कर दी। बताते चलें, पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है। हाफिज साद के माता और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।